ये जो पिक्चर है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, इस पिक्चर को अच्छे से निहारिए। इसी में आपके सी सेट का सॉल्यूशन छुपा हुआ है। ये जो यहाँ बड़ा सा हाथी है, ये आप लोग हैं, और जो यहाँ पे इसके पैर में जो छोटी सी बेड़ी बंधी हुई है, ये आप लोगों का सी सेट है। अब किस तरीके से आप लोगों को ये बेड़ी तोड़नी है वो मैं आप लोगों को इस कंप्लीट लेक्चर में बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और कहने के लिए ये स्टोरी है, एक्चुअल में ये रियलिटी है। होता क्या है, जब ये हाथी छोटे होते हैं तब इनके पैरों में एक मोटी सी बेड़ी बांधी जाती है, जिससे कि ये तोड़ न सके, मतलब इनकी ताकत से ज्यादा ताकतवर वो बेड़ी रहती है। ये हाथी खूब जोर लगा लेते हैं पर कभी उस बेड़ी को तोड़ नहीं पाते हैं जब ये छोटे रहते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते रहते हैं, ये ट्राई कर करके, प्रयास कर करके थक जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बात सेट कर लेते हैं कि अब कभी भी ये इस बेड़ी को नहीं तोड़ पाएंगे। जी हाँ, जबकि ये बड़े होने के बाद में इनको इससे भी पतली बेड़ी से बांध के रखते हैं और ये हाथी उसको नहीं तोड़ते हैं। उनके माइंड में पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है कि जब हमसे बचपन में ही एक बेड़ी नहीं तोड़ी गई तो अब हम इस बेड़ी को कैसे तोड़ पाएंगे। कुछ ऐसा ही हालत आप लोगों की होती है जब बात आती है सी सेट की। जी हाँ, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जिन्होंने 10th तक यहाँ पर मैथ या एप्टीट्यूड आप लोग बोल सकते हैं पढ़ा है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर इंजीनियरिंग करके आते हैं, अच्छा खासा मैथ्स का बैकग्राउंड होता है, तो दोनों ही मारे जाते हैं। ये बेचारे जो पहले वाले हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, वो तो डर के मारे मारे जाते हैं, और जो यहाँ पर जिनका बैकग्राउंड है वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। देखिए, यूपीएससी बेवकूफ नहीं है, उसने एक पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न बिल्कुल सोच समझकर बनाया है, और ये बिल्कुल आप लोग ये बोल सकते हैं बहुत रिसर्च करके पैटर्न बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों के लिए बहुत टफ है और जिनका बैकग्राउंड है उन लोगों के बहुत लिए आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा पैटर्न है कि इसमें आप लोग को एक स्ट्रेटजी बनाकर चलना ही चलना पड़ेगा। जब तक आप लोग एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग पेपर को किसी भी स्टेज पर क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रेटजी बनाकर आप लोगों को चलनी पड़ेगी, चाहे आप लोग किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है जिस बंदे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा उसको जल्दी आसानी से चीजों को समझ सकता है और आगे बढ़ सकता है, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक के लिए ये बहुत आसान है और दूसरे के लिए बहुत टफ है। ये तो आप लोगों को माइंड से निकाल ही निकाल देना है। मतलब ये है जो हाथी वाली ये टेंडेंसी है कि यहाँ पर पतली सी जंजीर से बांध दिया गया और ये खड़ा हुआ है, तो वो आप लोगों को नहीं करना है। ये जंजीर आप लोगों को तोड़नी ही तोड़नी पड़ेगी। अपने माइंड में ये आप लोगों को एक ये बात सेट करनी ही करनी पड़ेगी कि ये एक बस एक एग्जाम है और बहुत आसानी से हम इसको क्लियर करके ले जाएंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो। अब कैसे आप लोगों को वो प्रैक्टिस करनी है और कैसे वो पैटर्न आप लोगों को आगे लेके चलना है, वो मैं अब आप लोगों को कंप्लीट आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत अच्छे से डिटेल में। तो जो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हमेशा ही होता है कि हाउ टू प्रिपेयर सी सेट, कि सी सेट को हम लोग किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से प्रिपेयर करें। पर लेकिन इससे पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसको तैयार क्यों करें, तो क्वेश्चन मार्क क्यों पर लगना चाहिए, उसके बाद में आप लोगों को देखना है कि ये कैसे तैयार करना है। देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकल के आती है, वो ये निकल के आती है, कल को आप लोग डीएम बन जाते हैं, कोई आप लोगों के अंडर में कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों के सामने बहुत सारा डेटा होगा, आप लोगों को डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। कौन हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट में, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कितना हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट में अब की बार, कितना हमारे वाले डिस्ट्रिक्ट में पॉवर्टी है, कितना हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब की बार पैदावार हुई है, किस किस एरिया में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, किस किस एरिया में क्या क्या घटी है चीजें, तो ये सारी बातें आप लोगों को एनालिसिस करनी पड़ेगी। आप लोगों के सामने कई सारे डायग्राम रखे जाएंगे, कई सारे चार्ट्स रखे जाएंगे, तो उनको देखकर आप लोगों को देखना है मिड डे मील में कितना यहाँ पर पैसा गया है अब की बार, कौन से एरिया में हम लोगों ने कितना मनी दिया है, तो वो सारी बातें आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में ध्यान रखनी पड़ेगी। और आप लोगों के सामने घूम फिर कर कई बार इस तरीके के चार्ट्स आएंगे बड़े बड़े, जो आप लोगों को वहां पर पढ़ने हैं, जो आप लोगों को समझने हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को यहां पर जो ये सी सेट करके चलना है, इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि ये यहीं पर ही खत्म होने वाला नहीं है। मतलब कहने का ये है, ये आगे भी आप लोगों को दुख या दर्द पहुंचाने वाला है अगर आप लोग इसको इग्नोर करके चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बस ये एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आप लोगों को ये आगे भी काम करने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो आप लोग यहां पर देखकर चलते हैं, डेटा एनालिसिस आप लोगों को बहुत ज्यादा करना पड़ेगा वहां पर उसके बेस पर, तो आप लोगों को इसकी बात की ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेगी। क्योंकि जो ये यूपीएससी का एग्जाम होता है, ये किसी व्यक्ति का एग्जाम नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का एग्जाम है। मतलब आप लोगों का किस तरीके का आप लोगों का नेचर है, किस तरीके का आप लोगों का चीजों को देखने का नजरिया है, आप लोग किस तरीके से उसको एनालिसिस करते हैं, तो उसका एग्जाम है। तो पहली तो बात आप लोगों को यही क्लियर हो जानी चाहिए कि आप लोगों को आगे भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है अगर आप लोग इसको अभी क्लियर करके यहां पर चलेंगे तो। अब देखते हैं कि इसको हम लोगों को पढ़ना कैसे है और किस तरीके से हम लोगों को इसको क्लियर करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार पैटर्न समझ लीजिए, जो ये फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, आखिर एक्चुअल में ये है क्या।
और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में, वो मैं आप लोगों को लेक्चर के बिल्कुल एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि इस एग्जाम में होता क्या क्या है। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फोकस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज पर भी हम लोग सीसेट पर फोकस देकर चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जनरल स्टडी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं ब्रह्मास्त्र करके, आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम टाइम में किस तरीके से आप लोग इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, और वो स्ट्रेटजी इतनी शानदार है कि आप लोग इसको किसी भी टाइम पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप लोगों के पास में 3 महीने हैं, 2 महीने हैं या 1 महीना है, उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं और किस तरीके से आप लोग ये आसानी से एग्जाम क्लियर करके ले जाएंगे। आज हमारा पूरा फोकस यहाँ पर सी सेट के ऊपर रहने वाला है, तो सी सेट को हम लोग देखेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर जब बात आती है प्रीलिम्स की तो 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडी का होता है और दूसरा होता है सी सेट का। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के लिए टाइम पीरियड 2-2 घंटे होता है, मार्क्स भी दोनों के लिए बराबर होते हैं, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी 200 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सामने ये होते हैं, कितने 100 क्वेश्चन होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 क्वेश्चन वो 2.5 मार्क्स का होगा, तब जाकर आप लोगों के टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स बनेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर ये पेपर जो है सेकंड वाला पेपर, इसमें आप लोगों को ओनली 33% मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। जो यहाँ पर मेरिट बनेगी वो इस पेपर के बेस पर बनेगी, जो कि आप लोगों का जनरल स्टडी का होगा, पर लेकिन वो पेपर जब चेक होगा जब आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप लोग बेड़ा आप लोगों के सामने है, जब तक आप लोग इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे उसमें चाहे आप लोग 200 में से 200 मार्क्स ही क्यों ना ले आए, आप लोगों का उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसमें 33 मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे। 33 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, आप लोगों को 66 नंबर यहां पर लेके आने पड़ेंगे 200 में से, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बोला 66 नंबर लेके आने हैं, तो माइंड में कभी भी ये नहीं रखना है कि हाँ बस 66 ही नंबर लेके आने हैं। यही ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पर आप लोग मार खा जाते हैं, बोलते हैं कि यार 66 नंबर ही तो लेके आने हैं। जिनका बहुत अच्छा तैयार होता है वो बोलते हैं बस 66 नंबर ही तो लेके आने हैं, और जिनका बिल्कुल तैयार नहीं होता वो बोलते हैं 66 नंबर कैसे आएंगे। तो दोनों ही तरीके से आप लोग बिल्कुल गलत तरीके से सोच के चलते हैं। आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम आप लोगों का टारगेट होना चाहिए यहाँ पर, कम से कम आप लोगों को 40 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं अच्छे से, मतलब 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, 40 क्वेश्चन सही करने हैं। तो टारगेट आप लोगों का लगभग 100 मार्क्स का होना चाहिए, तो इतना टारगेट मिनिमम आप लोगों को बना के चलना है, तब जाकर आप लोग लगभग यहाँ पर 66 नंबर ले पाएंगे। मतलब 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर माइंड में रख के चलने हैं कि हाँ इतने तो मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इतने तो मुझे सही करने ही करने हैं। अटेम्प्ट तो लगभग आप लोगों का होना चाहिए 60 से 70, ठीक है, पर लेकिन उसमें से इतना आप लोगों को होना चाहिए कि हाँ 35 से 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सही हो ही हो जाए, चाहे किसी भी हालत में कट पिट कर, मतलब आप लोगों का इतना बचना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है, इसमें कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता दूं कि स्टार्टिंग से आप लोगों यहां पर यूपीएससी में सी सेट नजर नहीं आएगा। 2011 वो ऐसा साल था जिसमें यहां पर सी सेट को ऐड किया गया यहां पर यूपीएससी में, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को सी सेट 2011 से नजर आएगा। तो 2011 से लेके आज तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को वो उठा के देखने हैं, पहला काम आप लोगों को ये करना है, उसके बाद में आप लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में लेवल क्या आता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये पेपर डिवाइड कैसे होता है। ये पेपर लगभग आप लोगों को एक अप्रोक्सीमेट बता के चलूंगा, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पेपर 2 पार्ट में मेन डिवाइड होता है। एक पार्ट में तो आप लोगों को मैक्सिमम यहां पर कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, मतलब जिनको आप लोग पैसेज बोलते हैं, बड़े बड़े पैसेज रहते हैं, कई बार उनके छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, कई बार बहुत बड़ा पैसेज होता है ओनली 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कई बार छोटे छोटे पैसेज के आप लोग 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कई तरीके से यहां पर एक्सपेरिमेंट करता है यूपीएससी। एक तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहां पर। सेकंड पार्ट में आप लोगों को यहां पर इसको आप लोग या तो मैथ बोल सकते हैं, हालांकि मैथ होता नहीं है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आप इसको बोल सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोगों के सामने नजर आएगा, और अगर आप लोग इन पेपर को ढंग से निहारेंगे तो एक बात आप लोगों को क्लियर नजर आ जाएगी कि कहीं पर भी यहाँ पर आप लोगों को ना तो बड़े बड़े फॉर्मूले यूज करने हैं, ना ही आप लोगों को कोई चीज रटनी है। यहाँ पर नॉर्मल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर, ये है कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस आप लोगों को बस यूज करनी है। आप लोग चाहे मैथ के बैकग्राउंड से हैं या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करके ले जाएंगे। ये आप लोगों को नजर आ जाएगी बात जब आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पेपर कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, वो बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल में इंप्लीमेंट करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि ये पेपर आसानी से क्लियर करके ले जाएं। तो दो पोर्शन हो गए। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आप लोग हिंदी मीडियम से हैं,
जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे लगभग आप लोग यहाँ पर नॉर्मली ये एक रेशो नजर आएगा लगभग आप लोग से 40 से 60% के बीच में आएगा, मतलब ये 50% के आप लोग लगभग ले सकते हैं अगर मिड पाथ में लेकर चलू बुद्धा वाला पाथ जिसको बोलते हैं, तो 50% के लगभग आप लोग को ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो 50% ये देखने को मिलेगा और लगभग 50% आप लोग ये बोल सकते हैं। बाई चांस ये आप लोगों को 40 मिल जाएगा, ये 60 मिल जाएगा, बाई चांस आप लोगों को ये वाला 60 मिल जाएगा, ये वाला 40 मिल जाएगा, 55 मिल जाएगा, ये वाला 45 मिल जाएगा, तो ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। पर लेकिन मोटा मोटा जो पास्ट के पेपर का मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नेचर बता रहा हूँ वो आप लोगों के सामने है, तो ये आप लोगों के माइंड में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ एक तो पोर्शन इसमें से आना है और एक पोर्शन इसमें से आना है। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन ये इसके बारे में बात करते हैं पहले, ये वाला पोर्शन आप लोगों को तैयार कैसे करना है। ये वाले पोर्शन में आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े पैसेज नजर आएंगे, उनको पढ़ने के बाद में आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये आप लोगों को हिंदी में भी नजर आएंगे और इंग्लिश में भी नजर आएंगे। जो हिंदी मीडियम है और जो इंग्लिश मीडियम है दोनों के लिए अलग अलग सुविधा अवेलेबल है यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर फोकस देकर चलना पड़ेगा। वो क्या फोकस देकर चलना पड़ेगा, आप लोगों को एक पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, और वो क्या पढ़ने हैं आप लोगों को, एडिटोरियल पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ने, क्योंकि आप लोगों को जितने भी कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर नजर आएंगे मैक्सिमम जो लेटेस्ट न्यूज रहती है वो उसमें से उठा के यहाँ पर रखे जाते हैं, या तो आप लोग द हिंदू बोल सकते हैं या कोई हिंदी का न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ सकते हैं जो अच्छा सा हो, हिंदी का न्यूज़पेपर कोई भी आप लोगों को लगे उसको आप लोग देख सकते हैं, उसके बीच में से आप लोगों को ये पैसेज नजर आएंगे। पर लेकिन एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा, और ये बात बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं इस बात को करने में, वो क्या है, यहाँ पर जो आप लोगों के सामने पैसेज रहेगा जिसको आप लोग कॉम्प्रिहेंशन बोल रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को यहीं पर ही रहना है, मतलब इस पैसेज के अंदर जो वर्ड जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है आप लोगों को उन्हीं को पढ़ना है। इस पैसेज के अंदर बोल रहा हूँ मैं, ये जो यहाँ पर ब्लॉक बनाया है इस ब्लॉक के बाहर की आप लोगों को नॉलेज जो है ना वो सारी बाहर रख के आनी है, मतलब ये है कहने का यहाँ पर, अगर यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है पैसेज के अंदर तो आप लोगों को वो गलत इन्फॉर्मेशन यूज करके ही उसके नीचे आंसर देने हैं, अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग सारी चीजें पढ़कर जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, सारा पोर्शन पढ़ के जाते हैं, तो कई बार क्या करते हैं आप लोगों की जो वहां की नॉलेज होती है आप लोगों को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये कई बार ट्रिक खेल दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा, वो यहाँ पर क्या करते हैं कुछ डिफरेंट पोर्शन देते हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों की जो नॉर्मल जो नॉलेज है उसके हिसाब से वो आप लोगों को गलत लगेगा, पर लेकिन आप लोगों को जो आंसर देना है वो उसका मतलब ही यही है, आप लोगों को आंसर बस इस पैसेज में से देना है, इसी में से वो क्वेश्चन बनाए और इसी में से आंसर देना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप लोगों को ये मानना है कि वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, पत्थर पे खिंची हुई लकीर है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है, इसी में से आप लोगों को आंसर देना है। बाहर की नॉलेज आप लोगों को बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, ज्ञानी बाबा बनने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पैसेज के अंदर पढ़ा है वही आप लोगों को पढ़ना है, उसी के बेस पर आंसर देना है, पहली तो बात ये हो गई। ओके, तो अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा माइंड में एकदम। दूसरी बात क्या है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को आगे चल के एक इंग्लिश का भी पेपर देना है जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब दोनों ही तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर रहना चाहिए। कई बार ऐसी वर्डिंग आ जाती है आप लोगों को हिंदी में क्या लिखा हुआ है इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आता है, और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है हिंदी वालों को, मतलब इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मतलब इंग्लिश भी कई बार इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आती है और हिंदी भी कई बार हिंदी वालों को समझ में नहीं आती है। तो आप लोगों को कम से कम इतनी तो अपनी नॉलेज रखनी है कि अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा अगर हिंदी पढ़ ले तो कुछ तो आइडिया लग जाना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग थोड़ा हिंदी पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग फिर उस पर इंग्लिश पर आ जाइए, तो थोड़ा हिंदी से भी फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करनी है, एक साइड में पैर रख के नहीं चलना है। तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहली तो बात, आप लोग यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, उस न्यूज़पेपर को आप लोगों को पढ़ना है, उसमें से एक या दो एडिटोरियल पेज उठा लीजिए और बैठ के डेली उसको पढ़िए अच्छे से टाइम निकाल के। ये आप लोगों को दोनों जगह फायदा पहुंचाएगा, आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे में फायदा पहुंचाएगा, और सेकंड आप लोगों यहाँ पर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें भी फायदा पहुंचाएगा। एक बात तो ये करनी है, दूसरी बात क्या करनी है, आप लोग कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए जहां पर आप लोगों को लगे कि अच्छे कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को मिल सकते हैं, चाहे आप लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कोई से पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए या फिर मार्केट में बाजार में कोई भी बुक मिल जाएगी उसको उठा लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, डेली का मतलब डेली आप लोगों को लगभग दो तो मिनिमम आप लोगों को डिसाइड कर लेने हैं कि दो आप लोगों को डेली पैसेज लगाने हैं और उनसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर 30 मिनट लगेगी डेली मैक्सिमम। ये 30 मिनट अगर आप लोग देंगे यहाँ पर तो आप लोग आसानी से अपनी यहाँ पर पोजीशन सिक्योर कर पाएंगे बिना किसी डर के। ठीक है, आपके माइंड में कोई डर नहीं रहेगा कि यार पता नहीं ये क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन आप लोग आसानी से क्लियर करके ले जाएंगे अगर यहाँ पर न्यूज़पेपर और डेली दो की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को करके चलना है, ये आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि इसको आप लोगों को जरा सी भी यहाँ पर ढील नहीं बरतनी है किसी भी तरीके से। ओके, ये हो गई यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाली बात।
और इसके लिए आप लोग डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं मीनिंग्स देखने के लिए। खासकर फोकस कीजिएगा, अगर मीनिंग्स से जितने ज्यादा आप लोग फोकस दे सकें उन पर उतना ही ज्यादा फोकस दीजिएगा, क्योंकि आप लोग उतना ही अच्छे से उसको उसका मीनिंग समझ पाएंगे अगर आप लोगों के पास में अच्छी सी एक वोकैबुलरी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस देकर चलिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। अब ये वाले पोर्शन को आप लोग थोड़ा सा देखने का नजरिया अपना चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने कई सारी चीजें नजर आएगी। पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं जिनको बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही खराब है, उनको क्या करना है, 2 महीने में आप लोग ये चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग उठा सकते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी, जी हाँ एनसीईआरटी की बुक उठा सकते हैं यहाँ पर, 6वीं की 7वीं की और 8वीं की, ये 3 एनसीईआरटी आप लोग यहाँ पर उठा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर बेसिक्स तैयार हो जाएंगे और इतने ही बेसिक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, इससे ज्यादा बेसिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, पहले तो पॉइंट आप लोग ये कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, रीजनिंग के लिए या फिर आप लोगों को इस तरीके जो क्वेश्चन नजर आएंगे यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, बहुत ऐसी बुक है ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि बिल्कुल आप लोगों को ये आसानी से कवर कर सकते हैं आराम से। ये है यहाँ पर आर एस अग्रवाल, जी हाँ ये वही आर एस अग्रवाल है जो कि आप लोग एसएससी के लिए करते हैं, बैंकिंग के लिए करते हैं, हर एक पेपर के लिए करते हैं, और इसमें भी ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। आप लोग यहाँ पर इसके जो सोल्व क्वेश्चन है ना, मतलब जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो उदाहरण दे रखे हैं, आप लोग बस उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जी हाँ आप लोग बस उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आप लोगों का एक क्वालिफाइंग पेपर है, आप लोग यहाँ पर टॉप नहीं मारना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बस एक नॉलेज चाहिए और वो नॉलेज आप लोगों के आगे भी यूज होगी। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो हो गया एवरेज, दूसरा हो गया परसेंटेज, तीसरा हो गया आप लोगों को देखने को मिलेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड रेशो। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और चौथा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर परसेंटेज में से ही निकल के आ जाता है, यह है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये पोर्शन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये पोर्शन आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये बेसिक है बिल्कुल। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आप लोगों को काम आएगा, ये आगे भी चीजों का एनालिसिस करने में आप लोगों को काम आएगा। तो ये कुछ चैप्टर हैं जो आप लोगों को करने ही करने हैं। ठीक है, ये कुछ चैप्टर आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के सामने 2 पोर्शन निकल के आते हैं, आप लोग देख सकते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, और एक हो गया ब्लड रिलेशन वगैरह, इस तरीके क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, और कई बार डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ ये पोर्शन आप लोगों के सामने है। सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे शानदार बात क्या होती है, अगर आप लोग इसको एक बार डायग्राम बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो आप लोगों के सामने आराम से 10 से 12 नंबर आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। जी हाँ आराम से आप लोगों को 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे यहाँ पर आराम से, और एक डायग्राम के ऊपर आप लोग 4 क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से फोकस देकर चलना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे। ठीक है, और सेकंड यहां पर मैंने आप लोगों को बोला है ब्लड रिलेशन वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है तो अपने आप को मान लीजिए और अपने आसपास के जो भी रिलेशन है उनको उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाएंगे अगर आप अपने आप को वहां पर समझ लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहां पर फोकस देकर चलना है। और आगे मैं बात आप लोगों को यह बताना चाहूंगा, चाहे आप लोग किसी भी टॉपर के मार्क्स उठा के देख लीजिए, उन्होंने बस इतनी मेहनत सी सेट में करी है कि बस वो क्लियर हो जाए वहां पर। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया यहां पर, बस उन्होंने उसको क्वालिफाइंग मोड तक रखा है कि हमारा क्लियर हो जाए, बाकी उन्होंने अपनी जी जान लगा दी है जर्नल स्टडी में। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, सी सेट में घुस नहीं जाना है, बस इसको आप लोगों को क्लियर करना है यहां पर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों के होने चाहिए ताकि आप लोग इनको आगे चलकर यूज कर सकें। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लेकर चलने हैं। और फिर से बात बता रहा हूं, 66% जो यहां पर वो 66 नंबर जो आप लोग देखकर चल रहे हैं, 33% उस पर अटक के नहीं रहना आप लोगों को। ठीक है, लगभग कोशिश करके चलनी है 80 के एयर फेयर में आप लोग यहां पर मार्क्स के बारे में सोचना है, कम से कम मिनिमम इतना तो आप लोगों को सोचना ही पड़ेगा, तब जाकर गलत वलत होकर कुछ कट पिट कर आप लोग यहां पर आकर अटक जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई अलग। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं यहां पर, क्या करते हैं, आपकी ईगो सामने आ जाती है। वो क्या होता है, अगर आप लोगों ने मान लीजिए जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, किसी क्वेश्चन में आप लोग लग गए और वो क्वेश्चन आप लोग में अटक गए उस क्वेश्चन में जाकर, तो आप लोग ये सोच लेते हैं कि यार ये सोल्व कैसे नहीं हुआ, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई। वहां पर ईगो हट नहीं करनी अपनी, जो क्वेश्चन आप लोगों से लगभग 2 मिनट के अंदर अगर सोल्व हो रहा है तो हो रहा है, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दीजिए, उस क्वेश्चन को वहीं पर ही दफना दीजिए, उस क्वेश्चन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाद में आप लोग टाइम निकाल पाते हैं तो उस पर घूम कर आइए, वरना उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो दूसरे आने वाले क्वेश्चन है, जो आप लोगों से आगे होने वाले हैं, आप लोग उनको भी नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती भी बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। तो क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को दंगल नहीं खेलना है बिल्कुल भी, अगर दिख गया नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ दिया उसको, क्योंकि आप लोगों को फिर से बता रहा हूं ओनली यहां पर क्वालिफाई करना है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप लोगों के हाथ में यहां पर क्वेश्चन पेपर आया और जैसे ही आप लोगों को बोला गया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसको फोकस देकर चलेंगे तो आप लोगों को बहुत फायदा वहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम 5 से 7 या 8 मिनट आप लोगों को लगेंगी,
पांच से सात या आठ मिनट में आप लोग क्या करना है, पूरा पेपर एक बार को स्कैन करना है। आप लोगों को यह देखना है कितने यहां पर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है और कितने यहां पर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे आराम से, जो कि आप लोगों के फैमिलियर है, मतलब जो आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आराम से करके ले जाएंगे, तो उस क्वेश्चन पे आप लोगों को बहुत फोकस देकर चलना है। ये स्कैन जो आप लोग करेंगे, इस स्कैन में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, बहुत ज्यादा टफ आ रखा है या बहुत ज्यादा हल्का आ रखा है, या किस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन है और किस तरीके कम क्वेश्चन है, तो आप लोगों के माइंड में एक पिक्चर तैयार हो जाएगी और आप लोगों का माइंड तैयार रहेगा उस पेपर को आगे देखने के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को पहुंचाती है अगर आप लोग एग्जाम के स्टार्टिंग में इस तरीके एक बार स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को दो राउंड में सोल्व करना होता है, कभी भी क्वेश्चन पेपर को एक राउंड में सोल्व मत कीजिए। मतलब पहले राउंड में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को चलना है सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से। आप लोग क्या करना है वहां पर जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से कर दीजिए, स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और अपना एक टाइम सेट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन को मुझे ज्यादा से ज्यादा एक से दो मिनट देना है, एक से दो मिनट के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसको सोल्व किया और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है उस पर गोला बनाया आगे बढ़ गए। मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि दूसरे राउंड में आऊंगा इसको सोल्व करूंगा उस पर गोला बना देना है और जिसमें आप लोगों को दिखेगा कि ये तो मेरे आसपास के एरिया का है ही नहीं उस पर कट मार देना है, उसको दूसरे राउंड में आप लोगों को देखना ही नहीं है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है ट्रिक। पहले राउंड में जो सोल हो रहे हैं उनको सोल करना है, जिसको दूसरे राउंड में देखना है उन पे गोला बनाना है और जिनको बिल्कुल भी नहीं देखना है उनको कट करना है। ये आप लोगों को प्रोसीजर फॉलो करके चलना है। और जब यहां पर पहले राउंड में आप लोगों को देखना है अच्छे से कितने क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं, पहले राउंड में आप लोग निकल जाइए और जो भी क्वेश्चन वहां पर हल्के हल्के हैं उनको जल्दी जल्दी आप लोग निपटाइए, अपना जितना भी ज्यादा स्पीड में उसको निपटा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से एक्यूरेसी से वो काम आप लोग कीजिए। फिर जब सेकंड राउंड में आइए वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने जिनमें आप लोग को थोड़ा टाइम दे सकते हैं। पहले राउंड में कम से कम आप लोग कोशिश कीजिए कि इतना तो सिक्योर कर ही लीजिए कि पासिंग मार्क के लगभग आप लोग पहुंच जाए, क्योंकि दूसरे राउंड में आप लोग जब करेंगे वहां से आप लोग कुछ क्वेश्चन निकाल पाए और आप लोगों का काम पूरा हो जाए। तो इस तरीके से आप लोगों को हमेशा क्वेश्चन पेपर दो राउंड में करना है, चाहे वो जनरल स्टडी का हो और चाहे वो आप लोगों का सी सेट का हो, तो दोनों ही में आप लोगों को दो राउंड फॉलो करके चलने हैं। सिंगल राउंड में कभी भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, सिंगल राउंड में अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और बहुत बार आप लोगों के वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आप लोग आसानी से सोल्व कर पाते हैं। और ये बात आप लोगों को पता चलती है जब आप लोग क्वेश्चन पेपर लेकर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं या फिर घर पर जाकर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि या ये क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन मैं आराम से अटेम्प्ट कर लेके चला जाता अगर मैं वहां पर उसको देख लेता एक बार, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करके चलना है जो कि सी सेट वाला है। और बाकी प्रैक्टिस कहां से करनी है आप लोगों को, 2011 से लेकर जो आज तक के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, पहले तो आप लोगों को सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आप लोग मार्केट में जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग कोचिंग के क्वेश्चन पेपर आप लोग खरीद के ले आइए, उनकी आप लोग देखिए हमेशा कोशिश कीजिए हार्ड कॉपी खरीद के लेके आइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों को जब एग्जाम में जाकर बैठेंगे वहां पर आप लोगों को ऑफलाइन पेपर देना है, दिक्कत ये है। ऑनलाइन पेपर देते तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा था, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर लेके आइए और फिर क्या करना है आप लोगों को अपने आप पास में टाइमर लेके बैठना है और उससे उसको सोल्व करना है। मतलब टाइमर में आप लोगों को टाइम सेट करना है कि हाँ दो घंटे आप लोगों को देने हैं और कोशिश कीजिए दो घंटे से कुछ कम ही टाइम दीजिए अपने आपको, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश आप लोगों को करनी है और थोड़ा कोशिश ये भी कीजिए जिस टाइम पर आप लोगों को सी सेट का क्वेश्चन पेपर होना है एग्जामिनेशन हॉल में, उस टाइम पर अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप लोगों को और भी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है, आप लोगों का माइंड उसी टाइम पर ट्रेन हो जाएगा थोड़ा सा, आप लोग ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से भी। तो दोनों ही तरकीब आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है। क्वेश्चन पेपर दुनिया भर के मिल जाएंगे, दुनिया भर की कोचिंग है, सब अपने अपने सीसेट के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, जनरल स्टडी के भी क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, मार्केट में जाइए उनको खरीद के लेके आइए और जो दूर रहते हैं कहीं पे वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे वहां के जो दुकानें होती हैं और वहां के नंबर आप लोगों को मिलने के बाद में आप लोग वहां पर कॉल कर सकते हैं और उनको मंगा सकते हैं, वो आप लोग वहां से कोरियर कर देंगे वो सारा सामान, ठीक है, आराम से आप लोगों को घर बैठे बैठे सारा सामान मिल जाएगा, कहीं दूर जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर ले जनरल स्टडी की, जनरल स्टडी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बाकी आप लोग देखते हैं मॉर्निंग में 4 बजे नैनो मैगजीन डिस्कस करता हूं मैं, उसमें क्या करते हैं ऑल इंडिया रेडियो डिस्कस करता हूं, पीआईबी डिस्कस करता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट योजना के आर्टिकल्स हैं वो यहां पर डिस्कस करता हूं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मेंस का भी आप लोग क्वेश्चन देता हूं, ये तो आप लोगों को बताइए। और शाम को हम लोग पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लगभग 150 के करीब मैं लेक्चर ले चुका हूं, मतलब लक्ष्मीकांत बुक आप लोगों की लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 4th एंड 5th एडिशन दोनों, तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्रीलिम्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और बाकी आप लोग क्या करना है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर आप लोग ये करके चलेंगे तो आप लोगों को कोई नहीं रोकने वाला है,
आप ही एक ऐसे इंसान है जो आप लोगों को रोक सकते हैं, और आप ही एक ऐसे इंसान है जो आप लोगों को कहीं पर भी ले जाके बैठा सकते हैं, मतलब आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कौन सा पाथ चूज करना है, क्योंकि आपसे बड़ा दुश्मन और आपसे बड़ा दोस्त इस धरती पर आपका कोई नहीं है। अगर आप लोग डिसाइड कर लेंगे हाँ कुछ करना है तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, और अगर आप लोगों ने अपोजिट डिसाइड कर लिया तो फिर आप लोगों से कोई करवाने वाला भी नहीं है। तो दोनों ही बात बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए कोशिश कीजिए जो पैटर्न आप लोगों को बताया है वो फॉलो करके चले, और जनरल स्टडी के लिए जो ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। जनरल स्टडी के लिए सबसे शानदार तरीके से सबसे कम टाइम में आप लोग फोकस करके चल पाएंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे नैनो मैगजीन के साथ में। तब तक एंजॉय कीजिए आप लोग। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।